जय श्री राम दोस्तों। भैया सुबह और सुबह उससे हमने भी मुंह वगैरह नहीं धोया भैया, मतलब पिताजी की टेंथ हो गई थी तो उसके कारण भैया जा रहे हैं। वो भैया ने हमें खाना दिया था, ये भैया जा रहे हैं वो भैया। भैया बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें खाना ला के दिया तो भैया का दिल से धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ेंगे फिर तो भैया निकल गए तो होटल वाले जो भैया थे उनके दादाजी एक्सपायर हो गए। सॉरी पापा, अपन भूल गए थे, मैंने भी पापा को बोल दिया था, उनके दादाजी एक्सपायर हो गए थे तो उनकी शांति के लिए जो हम मांगेंगे बाकी अब। जय श्री राम हर, जय श्री राम हर महादेव। दोनों अभी हम मतलब बड़े नहीं थे, आगे भैया हमको मिले थे। भैया का नाम सोनू यादव। सोनू यादव। भैया भी हमारी समाज के, हम भी यदुवंशी है और भैया ने हमें नाश्ता करवाया है, खिचड़ी है। वेल डन। खिचड़ी खिचड़ी नहीं, सॉरी कचौड़ी और चटनी है, इसको बोलते लिट्टी चोखा। अच्छा कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये कचौड़ी है और इसको छोला बोलते। अरे आज तो लिट्टी चोखा तुमने खाया तो है, वो वहां शादी में खाए थे ना। लिट्टी चोखा बढ़ते और बाटी को बोलते इधर। ये भी लिट्टी ही बोला जाएगा लेकिन इसमें सत्तू डाला गया और ये फ्राई हो गया है, ये ज्यादा दिन चलेगा। ये वो सेकने के सेकते है ना जब होता है लिट्टी चोखा, उसको बोलते हैं यूपी, यूपी नहीं बिहार में, यूपी बिहार दोनों साइड बोलते हैं। दोनों साइड हाँ। बोले ये मिलेगा झारखंड पर, झारखंड तक मिलेगा लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा ये भैया बोल रहे थे कि मतलब पॉकेट में रख दो लिट्टी को, लिट्टी बोलते ना, लिट्टी को पॉकेट में रख दो, दो तीन दिन तक चलता है, खाते कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम खाएंगे तो दोस्तों भैया बहुत प्यारे थे, उन्हें मतलब दो कचौड़ी तो नहीं, इन कचौड़ी इधर भर देखो कितनी सारी कचौड़ी रख दी है। तो भैया का दिल से धन्यवाद, जय श्री राम भैया के लिए। अब हम प्रे करेंगे वैजनाथ धाम में, क्या प्रे करेंगे बिट्टू भैया? प्रे करेंगे भैया के लिए कि मतलब भैया को तरक्की दे। नहीं नहीं नहीं, जो कुछ भी मिले लेकिन मेहनत करके मिले। क्या बात है सर। जय श्री राम हर महादेव। दोस्तों दोपहर हो चुकी है, दोपहर के 12 बज गए और अभी हम यहीं पर रुके, हम आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाए हैं क्योंकि आज हम एडिट कर रहे हैं और सारी वीडियो एडिट हो चुकी है और डाल भी दूंगा आज मैं। बाकी भैया ने हमको एक और बार चाय पिलाई है, सामने बैठे भैया जो, तो उसको पी के हम वापस से एडिट करेंगे। तो जय श्री राम हर हर महादेव। जय श्री राम हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली खुशियों का दिन आ चुका है अब, क्योंकि हमारी वीडियो हो चुकी है सारी अपलोड, शाबाश। अब हम हो गए हैं फ्री, तो कल से अब हम चलेंगे 50 किलोमीटर। मजाक कर रहा हूँ, 40। अबे साले चलेंगे। तो आज तक का हमारा लोड बहुत सारा हो गया था, हमने करीबन आज 20-25 वीडियो जो अपलोड करी है। अगर नेट भी लिया सुबह 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 भैया का नेट लिया था और इनको बोलते नहीं आता, आधे से ज्यादा टाइम ये अटक ही जाते हैं। हाँ हमेशा अटके रहते हैं, तो ये बोलने नहीं देते मेरे को। मैंने कॉन्फिडेंस लो है क्योंकि मैं सुबह से नहाया नहीं। शाबाश बेटा। वीडियो के चक्कर में मैं थंबनेल बना रहा था। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, थंबनेल बना रहे थे, 2 घंटे में 1 PNG अपलोड करी इन थंबनेल में। मैं नहाने जा रहा था लेकिन वहाँ पे व्यवस्था नहीं मिली यार मेरे को। तो कोई बात नहीं, अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर, मतलब अभी नहीं बढ़ेंगे, अभी तो हम आज रात रुकेंगे यहीं पे, बाकी फिर कल बढ़ेंगे, कल से हमारा धंधा चालू हो जाएगा, कल हमारा धंधा। तो दोस्तों देख सकते हो ये मुझे धो रहे हैं शॉर्टकट तरीके से, ना साबुन के। साबुन लगाऊंगा लेकिन अभी मिट्टी साफ कर लूंगा, बहुत धंधे हो रहे हैं। बाकी देखो इधर की हरियाली कितनी प्यारी है, ऊपर सनसेट है और इधर भी बढ़िया है। जय श्री राम हर हर महादेव। दोस्तों अभी हो चुकी है 4:50 और अभी अभी चर्चा हो रही है हमारी गुप्ता धाम की, लेकिन भैया ने मना बोल दिया था कि अभी सावन में आने की बोला उन्होंने, अभी तो हमारी यात्रा है, हम भी नहीं जाएंगे वैसे तो, लेकिन 50 किलोमीटर अंतर अभी गुप्ता धाम। भैया बोल रहे हैं कि सावन में आना, हमारे मतलब 2-3 दिन, कितना दिन रुकना है आपको, आप उतने दिन रुक सकते हो। अभी भी चालू बोला ठीक है, भैया ने अभी बिस्कुट वगैरह खिलाए, धन्यवाद दिया। जय श्री राम हर हर महादेव। जय श्री राम हर हर महादेव। बस अब भैया से अलविदा लेने का टाइम हो गया भैया, बस निकल रहे हैं हम। ठीक है निकलिए, वहाँ जाए कॉल करिएगा। हाँ बिल्कुल, मतलब अभी 2 किलोमीटर और जाना है, उसके बाद रुकना है। भैया की भाई है वो भी, कोई इशू नहीं है उसमें, लड़के हैं। बस अब निकलेंगे यहाँ से। तो जय श्री राम हर हर महादेव। तो दोस्तों
बस निकल रहे हैं और भैया ने वापिस से खुद चिप्स और पकड़ा दी हमारे को। भैया बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही इसने पूर्वक हो गए। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक और भैया है उन्हीं के भाई है, वहां पे रुकेंगे। तो जय श्री राम, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम निकल चुके हैं हमारे चाय की टपरी से और अब हम जाएंगे भाई दूसरे भैया के पास। 3 किलोमीटर ही चलेंगे आज हम, मतलब 3 किलोमीटर समझ रहे हो कितना किलोमीटर चल रहे हैं हम, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं हम समझ रहे हो। देख सकते हैं गाइस कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं हम, 3 किलोमीटर चल रहे हैं एक दिन में 3 किलोमीटर, समझो इस बात को समझो और बने रहो हमारी उसके साथ, क्या बोलते हैं जर्नी जर्नी में। तो अब जाएंगे ये पुल पार करेंगे हम और उसके बाद एक और पुल है, फिर उसके बाद वो भाई मिलेंगे। तो ठीक है, जय श्री राम हर हर महादेव, जय श्री राम हर हर महादेव। दोस्तों हम जा रहे थे रास्ते में, हमको मिले हैं दैंत्रा बाबा। तो जी एक बार फिर बताइए क्या क्या लीला है इनकी। हाँ इनके ये बाबा का बहुत लीला है जी। हाँ जितना भूत शैतान इनके दैंत्रा बाबा उसी पर नाम पड़ा है कि जो भूत पिचासपुई का घर पर है। हाँ उनको नाम लीजिएगा तो दुख को काटेंगे। अच्छा हाँ ये ही है। हाँ तो ये है दैंत्रा बाबा का काक। अभी आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम काका जी। जय श्री राम, जय श्री राम। दैंत्रा बाबा से बढ़ के मिलके हम आगे बढ़ गए हैं। तो दैंत्रा बाबा भी एक नाम है जो हनुमान चालीसा को कंपेयर कर सकते हो तुम। जैसे हनुमान जी है जो उनकी लाइन कौन सी है हनुमान जी की, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। नहीं नहीं भूत पसीच के लिए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो ये हनुमान जी के वो भी है और आज हमको पता चला है दैंत्रा बाबा के नाम से, तो ये भी ठीक है। हमको तो शाम हो चुकी है और अभी भी हम गाँव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भैया ने बोला था उधर घर है उनका, तो हम उधर जा रहे हैं। तो बस जाते जा रहे हैं, घर नहीं दिख रहा हमको। 200 मीटर की बोली थी, 300 मीटर लग रहा है, बाकी शायद आ ही गया हो। तो पढ़ते रहे हैं आगे, तो बने रहे हमारे साथ। दोस्तों गांव में एंटर हो चुके हैं, गांव वाले हमको सबकी नजरों से देख रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, वो तो है बोले देखते हैं अब कहाँ से आए, मतलब एकदम से कोई नया व्यक्ति आता है शॉक्ड शॉक्ड शॉक हो जाता है। और अभी हमको नीचे कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि फ्लैश जल रही है हमारे मुंह पे। आ गया सोनू भैया घर, तो बस चाहते हैं सोनू भैया के घर पे। तो हम सोनू भैया के घर आ गए हैं, सोनू भैया कैन लगा रहे हैं, मैं मुंह धोऊंगा, बाकी बुट्टू भी बताएंगे। हम लोग तो रेडी होके आए थे, हाथ पैर धुल के आए थे, बस पैर धुलूंगा मैं भी। और ये आते से ही सेवा कर दी हमारे सोनू भैया ने। तो अब मैं जा रहा हूँ हाथ पैर धोने, मुंह धोने। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं, मतलब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि खाना इधर आने वाला था, अब हम जाने वाले उधर खाने के लिए, गाँव से जाएंगे। और अभी क्या हुआ और अभी मैं बता रहा हूँ, कि पवन भैया में गए थे फ्रेश होने और पवन भैया गए, मतलब टॉयलेट होना था पवन भैया को, पवन भैया गए और जाके मतलब नॉर्मल उनको लगा। पहले तो हमारे शियाराम भैया ने बोला कि इधर ही मुद लो, तो उनने सोचा कि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हूँ आगे बढ़ जाता हूँ। आगे था दलदल था, थोड़ा पानी से गहरा था, तो इतने टोंगले इनने पैर घुसेर लिए अपने पवन भैया ने, पूरी लोअर खराब कर ली और हुडी भी थोड़ी सी इतनी गीली हो गई इधर। तो मैंने उन दोनों को धुल के बढ़िया से उधर ही रखे हूँ, कपड़े चेंज कर लिए। अब बिट्टू भैया कह रहे थे कि अगर बाय चांस छोटा आदमी होता तो वो तो धस ही जाता। अब हम जा रहे हैं, फिर जाके बताते हैं। तो हम आ चुके हैं संजीव भैया के घर। संजीव भैया सोनू भैया के घर पे, तो हमने डाइनिंग टेबल वगैरह लगाया है, तो बस भोजन करेंगे तो फिर भोजन में बताते हैं आपको क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे आ चुकी है, सोनू भैया ने लिया है पूरी आलू गोभी की सब्जी है और खीर है, अचार। तो हम खाना शुरू करते हैं। सोनू भैया ने लाया है। तो
सुनो भैया के बारे में कुछ बोलो यार। मिट्टू भैया, भैया से हमने बोला कि मैं 7 मिनट कर लो, लेकिन वो बोल रहा है कि अभी करेंगे, आप कर लो फिर उसके बाद करेंगे। अतिथि अतिथि में थे वो सुनील भैया का, वो सोनू भैया का कहना है। तो फिर हम खाते हैं उसके बाद हम जी, फिर हम खाते हैं, फिर रोटी खा के अब हम निकल चुके हैं घर से, तो वो पेट भरा गया। मतलब खीर जो थी ना भाई, जोर बाज लगी, एक नंबर लगी खीर। और जैसे मतलब चावल ने किसा हुआ था, तो बहुत प्यारी लगी थी। और अब हम जा रहे वापिस से हमारे रहने की जगह पे, मेरे को ठोकर लग गई है। तो ऐसे होम टाउन पता नहीं कितने दूर है, मतलब खूब से खूब 30-40 कदम दूर होगा, है ना मिट्टू जी? हाँ, करीबन 50 मीटर 50 मीटर की दूरी पे है होम और गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस बोल सकते हैं उनका, तो गेस्ट हाउस मतलब हमको जहाँ पे रोका है वहाँ पे उनका गेस्ट हाउस है। तो व्यवस्थित चीजें है वहाँ पे की जगह। तो अब हम जाके सोने की कोशिश करेंगे, लेकिन भैया आएंगे वापिस, तो मैं तो एडिट करूंगा थोड़ा, मतलब आज की वीडियो एडिट भी करना है, और थोड़ा सा मैं घूम के भी आऊंगा, मतलब मैं भी घूम के आऊंगा, थोड़ा टाइम जाऊंगा। तो जय श्री राम, यहाँ पर यहाँ का लोग यहीं पे एंड करते हैं है। तो अब हम आपको मिलेंगे सुबह मिलेंगे। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।